तो हम जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये है यूजीसी नेट कॉमर्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से है ये। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इनटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। इट मीन्स कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में वो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि ह्यूमंस को मिलते हैं, जो भी उन्होंने कुछ इनोवेशन करा हो, जो उनके खुद के माइंड से कुछ क्रिएटिविटी हुई हो। तो फर्स्ट स्टेप में ये यही कह रहे हैं कि इंटेंजिबल ह्यूमन इंटेलेक्ट है। हाँ जी, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। IPR डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट एंड मॉरल राइट। सेकेंड स्टेटमेंट में ये लोग बोल रहे हैं कि IPR के अंदर ट्रेड सीक्रेट और मॉरल राइट को इंक्लूड नहीं करा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से कॉपी राइट पेटेंट्स इसके अंदर आते हैं, ट्रेडमार्क, उस तरीके से ट्रेड सीक्रेट एंड मॉरल राइट भी IPR का ही पार्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट सेकेंड वाली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री फॉरेन मार्केट में जो है रिस्क और प्रॉफिट हाईएस्ट हो। तो दोनों चीज़ें हाईएस्ट पूछी हैं, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग जो है इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट तो होगा बट हमारी खुद की कंट्री से होगा तो रिस्क कम हो जाएगा। इसी तरीके से ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा, तो जो भी रिस्क होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में भी ये होता है कि हम अपनी कंट्री से गुड्स वहाँ पर सेल कर रहे हैं लेकिन किसी इंटरमीडियरीज के थ्रू, तो यहाँ पर भी रिस्क जो क्या होगा थोड़ा कम हो जाएगा। लास्ट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे तो फिर प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं और रिस्क भी हम ज़्यादा उठा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बनता है। तो 10th क्वेश्चन में, फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हेल्पिंग टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग। कह रहे हैं हेल्प टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट जब हमें पूरे करने हो, तो जब भी हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे तो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस चीज़ के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस पर्पस, नहीं। डेवलपमेंट पर्पस के लिए हमें ट्रेनिंग वगैरह हम प्रोवाइड करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस भी नहीं आएगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं इसका। फोर्थ ऑप्शन हमारा है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, जो कि इसका आंसर बनेगा, राइट, ऑप्शन नंबर 4। जस्ट अ मिनट, तो ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनवर्स रिलेशन, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ऑन विच ₹4 पर शेयर वर पेड। ओके, कह रहे हैं कि 40 शेयर को हमें फॉरफिट करना है, फॉरफिट मतलब कैंसिल करना है, जो कि ₹10 ईच की हैं और उसमें ₹4 आ चुके हैं। तो जब भी ऐसा हो कि ₹4 आ चुके हैं, पेड हो चुके हैं, तो जब भी हम उनको रीइशू करेंगे, फॉरफिट शेयर्स को जब भी रीइशू करेंगे, तो हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं अपने शेयर्स पे जितना हमें पहले उन शेयर्स पर फॉरफीचर करते टाइम आ चुके हैं उस पर पेड। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि इट मीन्स कि जब भी हम फॉरफीचर कर रहे हैं तो उसमें जो भी कुछ पैसा आ चुका होता है उसके बाद हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स को, जो पैसा नहीं आया होता उस वजह से। तो जितना भी अमाउंट आ गया होता है ना, उतना हम रीइशू के टाइम उन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो क्वेश्चन में यही पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्काउंट, मिनिमम प्राइस ऑफ द कंपनी मस्ट चार्ज। तो कम से कम कितना प्राइस कंपनी को चार्ज करना चाहिए, तो चार्ज कितना करेगा कंपनी, दैट इज़ ₹4 पर शेयर चार्ज करेगा ही करेगा। ओके, तो क्योंकि 8 पर शेयर पेड अप है, ठीक है, 8 में से 4 आ चुके हैं, तो अगर हम 4 का डिस्काउंट भी दे दें तो हमें कितना प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, 8 पेड अप है, 4 आ चुकी हैं, तो हम अगर मैक्सिमम डिस्काउंट 4 का दे सकते हैं, तो मिनिमम हमें चार्ज करना ही करना पड़ेगा ₹4 पर शेयर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अ कंपनी प्रपोज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, द कंपनी वॉन्ट मेंटेन PV रेशियो इज 25%। देखिए, PV रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का होता है सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल में कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैंने PV रेशियो का फॉर्मूला यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन को हम ये भी लिख सकते हैं अपॉन में सेल। अब मैंने सिर्फ जस्ट इधर वैल्यूज पुट करी हैं, PV रेशियो फिक्स थी क्वेश्चन में, गिवन थी 25%, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। सेलिंग प्राइस को x एज्यूम कर लिया है, तो x माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹300, जो कि गिवन है, यहाँ मैंने लिख दी। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ₹400 इसको सोल्व करने के बाद। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड किर्क पैट्रिक अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड किर्क पैट्रिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी इवेल्युएटेड एट 4 लेवल, आइडेंटिफाई दैट सीक्वेंस। अब हमें 4 लेवल पर सीक्वेंस बतानी है डोनाल्ड किर्क पैट्रिक के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम सबसे पहले एम्प्लॉई का रिएक्शन देखेंगे कि उनका रिएक्शन क्या है ट्रेनिंग को लेकर, ठीक है, उन्हें वो वर्थ लग रही है वो चीज़ या नहीं लग रही। आफ्टर प्रोवाइडिंग अब हम उनको क्या करवा देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देंगे। तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने लर्न कितना करा है, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है कि उन्होंने लर्न कितना करा है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के बाद। फिर जब वो लर्न कर लेंगे तो हम उनका बिहेवियर चेक करेंगे कि जो भी ट्रेनर्स ने लर्न करा है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के बाद, तो अब वो अपने बिहेवियर में उस चीज़ को ला रहे हैं, पुट कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और लास्ट में हम उनका फाइनल आउटकम फाइनल रिजल्ट देखेंगे। तो ऑप्शंस ये बन जाएंगे 2, 3, 4 और 1 वाला ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। स्टाफिंग की सीक्वेंस बतानी है, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, हमारा रिक्रूटमेंट करेंगे, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करने के बाद उन्हें सेलेक्ट कर देंगे, फिर हम उनको इंडक्शन करवाएंगे, इंडक्शन और ओरिएंटेशन करवाएंगे जिसमें हम उनको एम्प्लॉइज़ के साथ बताएंगे हम अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में, उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह उन लोगों को बताएंगे जो भी न्यू आया होगा एम्प्लॉई। उसके बाद क्या होगा, फिर हम उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे कि कितना वो परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग लास्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप सीक्वेंस देख लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगी। तो ये सीक्वेंस हो जाएगी आपकी 2, 4, 5, 1 और 3 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिमांड्स स्टेट कंज्यूमर्स आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स पुट इनटू द मार्केट प्लेस। कि हम लोग हैं मार्केट में, जो भी बायर्स हैं वो कितना प्रोडक्ट डिमांड स्टेट कंज्यूमर आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट पुट इन द मार्केट प्लेस। कि डिमांड जो है पूरी सप्लाई से मैच हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 फुल डिमांड कहलाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इरेगुलर डिमांड, ठीक है, जो कि सीजन वाइज होती है। उसके बाद ओवर फुल डिमांड है, इसमें हमारी डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम हो जाती है। और लेटेंट डिमांड में होती है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट की कुछ नीड होना, कुछ ऐसा हम बायर्स चाह रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि मार्केट प्लेस में जो भी प्रोडक्ट की बाइंग हो रही है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 फुल डिमांड इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन दे रखी है इसमें, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग में क्या होता है, 2 और 3 कंट्रीज आपस में मिलकर हैंडशेक करती हैं कि वो जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे उसमें हम कुछ भी बैरियर्स नहीं लगाएंगे। तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है थोड़ा क्या रहता है, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रहता है, हमें पता चलता रहता है क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हो जाती हैं। सेकेंड रीज़न है, प्रॉमिसिंग नोट टू रेज ट्रेड बैरियर कैन बी इम्पॉर्टेंट एज नोट टू रेज ट्रेड बैरियर कैन बी इम्पॉर्टेंट एज लॉवरिंग वन। सिर्फ ट्रेड बैरियर्स को कम ही करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनको क्या कर देना कि हम ट्रेड बैरियर्स बिल्कुल हटा देंगे, लगाएंगे ही नहीं बिजनेस में, ठीक है। तो इससे हमें एक फ्यूचर की मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की क्लियर व्यू पता चलता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और एजर्शन को रीज़न जो है वो फुली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है जिसमें हम एम्प्लॉई को बाहर से अपॉइंट करते हैं, अंदर से इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, हम उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे हैं बल्कि बाहर से न्यू एम्प्लॉई को लेकर आ रहे हैं। तो फर्स्ट है, स्कोप फॉर रिसेंटमेंट जेलेसी एंड हार्टबर्न आर अवॉइडेड। हाँ जी, इससे हमारा जो जेलेसी है, किसी के माइंड में ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए बट मेरे साथ वाले को मिल गया है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अवॉइड होएगी। तो हाँ, ये तो एडवांटेज है इसकी। बेनिफिट्स ऑफ न्यू स्किल, न्यू टैलेंट एंड न्यू एक्सपीरियंस टू ऑर्गेनाइजेशन आर अवेलेबल। हाँ, क्योंकि जब भी हम बाहर से कोई एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे तो न्यू टैलेंट आएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमें न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। पॉलिसी जो है इजी हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट किसके दे रखे हैं इन्होंने, एडवांटेज के दे रखे हैं, और क्वेश्चन में इन्होंने नॉट एडवांटेज पूछा था। तो अब यहाँ पर हमें मिलेगा गुड परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड, ठीक है, कि गुड परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन ना मिलकर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी नॉट ही पूछा था।
तो बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यहीं से 19 से शुरू करके। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।